आज हरियाणा में बीजेपी ऐसे सियासी मुकाम पर खड़ी हुई है जहां उसका एक सही फैसला उसका बेड़ा पार कर सकता है और एक गलत फैसला उसका बंटाधार कर सकता है। हम बात करें हरियाणा में 2024 को होने वाले चुनावों की टाइमिंग को लेकर। बीजेपी इसमें उधेड़ बुन में फंसी हुई है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव कराने का फैसला ले या तय समय पर अक्टूबर 2024 में चुनाव होने दे। बीजेपी के लिए ये टाइमिंग बेहद निर्णायक है क्योंकि एक फैसला जहां उसकी सत्ता की हैट्रिक लगा सकता है तो दूसरा फैसला उसका बेड़ा गर्क कर सकता है, उसे सत्ता से बेदखल कर सकता है। तीन राज्यों में सरकार बनने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, बीजेपी के कैडर में जोश है और जनता में भी ये मैसेज फैल गया है कि ऊपर मोदी आ रहे हैं और हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। जहां मोदी की सरकार बनने के मोदी के पीएम बनने के बारे में कोई सवालिया निशान नहीं है, उसकी पक्की सरकार जनता पॉलिटिशियन सभी मान रहे हैं, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार को लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है ना कि बन रही है। ऐसे समय में चुनाव की टाइमिंग सबसे अहम है, सबसे इम्पोर्टेंट है। चुनाव किस टाइम पर होंगे उसके ऊपर हरियाणा में बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियों की तकदीर भी तय होगी। बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव के साथ अप्रैल में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला लेती है तो उस समय क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें पूरे देश के अंदर और खासतौर पर हिंदी बेल्ट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता फिर से टॉप गियर पर है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को लेकर कहीं कोई सवालिया निशान नहीं है और लोगों ने ये मान लिया है कि 2024 में भी मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में अगर हरियाणा में बीजेपी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने का फैसला लेती है तो बीजेपी को बम्पर फायदा हो सकता है क्योंकि उन हालात में हरियाणा की बीजेपी सरकार की 10 साल की नेगेटिविटी दब जाएगी और ऐसे में मोदी के साथ साथ हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार के लिए वोट पड़ सकते हैं, ज़्यादा वोटिंग हो सकती है। यानी अगर लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव कराए जाएं तो बीजेपी की सत्ता की हैट्रिक लगने के चांस ज़्यादा होंगे क्योंकि उन हालात में लोग पहले मोदी के नाम पर बटन दबाएंगे तो उसके साथ साथ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट बटन दब सकता है क्योंकि 95% लोग आमतौर पर एक ही बटन दबाने का काम करते हैं। ऐसे में बीजेपी की सत्ता में बने रहने का रास्ता साफ हो सकता है और वो लगातार तीसरी बार हरियाणा में सत्ता की सरताज बन सकती हैं। सीएम खट्टर साहब भी इस बात के पक्षधर हैं, उन्हें भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक के बीच में ही अगर अप्रैल में विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं तो उससे पार्टी को बड़ा फायदा होगा और सरकार तीसरी बार बनाने में आसानी रहेगी। इसलिए खट्टर साहब ने पार्टी हाईकमान के पास इस बात का संदेश भेज दिया है, इस बात की रिक्वेस्ट भेज दी है और इस बात का सजेशन भी दे दिया है कि अगर लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा में विधानसभा के चुनाव कराए जाएं तो वो सबसे बेहतर फैसला रहेगा। अब देखने की बात है कि पार्टी हाईकमान खट्टर साहब की रिक्वेस्ट पर क्या फैसला लेने का काम करता है। अब बात करते हैं हम अक्टूबर में चुनाव होने की। अगर लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर में ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव होते हैं तो ऐसे में बीजेपी की संभावनाएं कैसी बनती हैं इसके बारे में गहराई से जानना जरूरी है। पहले हम चर्चा करते हैं 2019 के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने पहली बार 10 की 10 सीटें जीतकर विपक्ष का सुपड़ा साफ किया था और परफेक्ट 10 का स्कोर हासिल किया था। लेकिन उसके 6 महीने बाद जब बीजेपी विधानसभा चुनाव में गई तो उसकी लुटिया डूबते डूबते बच गई। बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था लेकिन उस नारे की ऐसी तैसी हो गई और बीजेपी को बहुमत हासिल करने के लाले पड़ गए। मजबूरी में बीजेपी को जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बनानी पड़ी। यानी बीजेपी की सरकार तो बनी लेकिन वो बैसाखी की सरकार बनी। अब 2024 के बारे में भी यही कहा जा सकता है। अगर बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से 10 की 10 सीटें भी जीत ली तो भी इस बात की गारंटी नहीं होगी कि विधानसभा चुनाव में अक्टूबर में बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है या गठजोड़ के साथ सत्ता में वापसी कर सकती है। जाहिर सी बात है अप्रैल में जहां मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे, मोदी का करिश्मा होगा, मोदी का दबदबा होगा, वहीं अक्टूबर में सीधे तौर पर चुनाव खट्टर सरकार की कामकाज के आधार पर होंगे, खट्टर साहब की लोकप्रियता के बलबूते पर होंगे और स्थानीय मुद्दों का ज़्यादा जोर होगा। ऐसे में सरकार के प्रति नाराजगी ज़्यादा उभर सकती है, लोगों को सरकार की गलतियाँ, लोगों को सरकार के गलत फैसले याद आ सकते हैं और ऐसे में बीजेपी सरकार से बेदखल भी हो सकती है। 2019 में तो बीजेपी 40 सीटों पर पहुंची गई थी लेकिन
अब 2024 में इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती कि बीजेपी 40 सीटें भी तीसरी बार हासिल कर लेगी। अगर कांग्रेस के 2005 और 2009 की सरकारों का विश्लेषण किया जाए तो 2014 में कांग्रेस तीसरी बार के चुनाव में महज 15 सीटों पर रह गई थी। बीजेपी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि बीजेपी ने अगर अलग से चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो अक्टूबर के अंदर बीजेपी भी कांग्रेस की तरह 15 से 20 सीटों पर रह सकती है, यानी अक्टूबर में चुनाव करने पर बीजेपी के लिए रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, उसकी सत्ता में वापसी करने का खतरा भी बढ़ जाएगा और उसके दावों पर पानी भी फिर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी आखिर क्या करे। बीजेपी के रणनीतिकार भी इस समय पूरी माथापच्ची कर रहे हैं कि चुनाव लोकसभा के साथ ही अप्रैल में कराए जाएं या फिक्स टाइम पर 2024 के अक्टूबर में कराए जाएं। कांग्रेस ने भी 2009 में एक गलती की थी। हुड्डा साहब ने भी अपनी लोकप्रियता के चक्कर में 6 महीने पहले चुनाव कराने का फैसला लिया था, लेकिन उसका उन्हें खामियाजा हुआ था और कांग्रेस भी 47 सीटों पर अटक गई थी और उसे भी जोड़ तोड़कर और हजका के विधायकों को तोड़कर सरकार बनानी पड़ी थी। वही हालात बीजेपी के साथ 2019 में हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी 2014 के आकलन को, 14 के परिणाम को दोहराने का प्रयास करेगी, यानी क्या वो अलग से चुनाव कराने का फैसला लेगी और तीसरी बार अपने कामकाज के बलबूते पर ही अक्टूबर में चुनाव लड़ने का फैसला करेगी। अगर बीजेपी ऐसा फैसला लेती है तो निश्चित तौर पर वो उसके लिए खतरे का पैगाम ला सकता है, उसके लिए गलत फैसला साबित हो सकता है और उसे सत्ता से बेदखल करने का काम भी कर सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बीजेपी अप्रैल में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने का फैसला लेती है तो उन हालात में ना तो विपक्ष स्थानीय मुद्दों पर जोर दे पाएगा, न ही जनता के अंदर स्थानीय मुद्दों का ज्यादा शोर होगा और उन हालात में बीजेपी चुपके चुपके मोदी के सहारे लगातार तीसरी बार हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाने का कारनामा कर सकती है। अब देखने की बात होगी कि बीजेपी को साफ नजर आ रहे इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता सही लगता है, बीजेपी के रणनीतिकार किस फैसले पर सहमति जताते हैं और बीजेपी का हाईकमान कौन से फैसले पर सहमति की मुहर लगाने का काम करता है। लेकिन खट्टर साहब को ये नजर आ चुका है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही अगर विधानसभा के चुनाव कराए जाए तो उससे पार्टी को ज्यादा फायदा होगा, पार्टी के सत्ता में बरकरार रहने के आसार ज्यादा रहेंगे और उसके चलते बीजेपी लगातार तीसरी बार आसानी से सत्ता की हैट्रिक लगा सकती है। यही वजह है कि खट्टर साहब अप्रैल में ही लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव कराना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा भी हाईकमान के सामने जताने का काम कर दिया है। कांग्रेस के हिसाब से भी चुनाव के लिए ये तारीखें मायने रखती हैं, क्योंकि अगर चुनाव साथ साथ होते हैं तो फिर कांग्रेस आपस की लड़ाई में फंस जाएगी और कांग्रेस के लिए सेंटर पर कमजोर होना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। कांग्रेस जहां लोकल लेवल पर बीजेपी की सरकार की खामियों को उजागर कर सकती है, जनता की नाराजगी को भुना सकती है, वहीं अप्रैल में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव होना कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। यानी जहां बीजेपी के लिए लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराया जाना फायदेमंद है, वहीं कांग्रेस के लिए दोनों चुनाव अलग अलग कराए जाना फायदेमंद है। अब देखने की बात है कि बीजेपी के रणनीतिकार इस सीधी साधी गणित को समझने का काम कर पाते हैं या वो उलझन में फंसकर कोई गलत फैसला लेने का काम करते हैं। प्रदेश के सियासी हालात ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए अप्रैल में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराना फायदेमंद होगा। 2014 का चुनाव परिणाम बताता है कि तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए अलग अलग चुनाव का गणित भारी भरकम रिस्क पैदा करेगा और 2019 का परिणाम भी बताता है कि बीजेपी का 75 पार का नारा जब फेल हो गया था तो ऐसे में तीसरी बार 40 का आंकड़ा हासिल करना भी मुश्किल हो सकता है। अब देखने की बात यह कि बीजेपी हाईकमान हरियाणा के सियासी हालात को भांपकर क्या फाइनल फैसला लेने का काम करता है। 2024 में हरियाणा के चुनावों की तारीखों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में खट्टर सरकार की रिक्वेस्ट का अंजाम जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तारीखों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।